मेरा नाम है स्मिता निकम और ये मेरा पिताजी है विजय दत्तू खराड़े। हम पूना से आए हैं। इनको एक साल पहले नींद में चक्कर आई थी तो हमने हमारे यहाँ के प्राइवेट डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने हमें 2D इको एंजियोग्राफी करने को सजेशन दिया तो हम इनको हॉस्पिटल में लेके गए। उन्होंने 2D इको किया, एंजियोग्राफी किया तो उनका वॉल है उसको स्टिफनेस आया था तो वो चेंज करने को बोला डॉक्टर ने। फिर हमने और उन्होंने ये भी बताया कि वॉल रिप्लेसमेंट में टावी जैसे भी ऑपरेशन हो सकते हैं। फिर हमने गूगल पे मानिक सर का ये देखा, रेफरेंस देखा, उन्होंने सर्च किया तो उनका नंबर हमें मिला। फिर हमने उनसे कांटेक्ट किया, उन्होंने इतना अच्छे से सब बताया हमको कि हम नारायणा हेल्थ यहाँ पे आ गए नारायणा हॉस्पिटल में और इनका उन्होंने इनको देखा, सब जांच किया, हमें वो अच्छे लगे बहुत ठीक से। फिर 1 तारीख का इनको ऑपरेशन हो गया और अभी इनको कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। इनको नींद में चक्कर आया था, वो चलते थे तब उनको सांस लेने में दिक्कत होती थी, अभी वैसे कुछ नहीं हो रहा है, अब बिल्कुल ठीक है। ये अब यही बताएंगे, आप बोलिए ठीक है या नहीं है। कैसे हॉस्पिटल का शुक्रिया, यहाँ का स्टाफ भी बहुत अच्छा है और डॉक्टर बहुत अच्छे है सब। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर मानिक चोपड़ा है और मैं नारायण मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अहमदाबाद में कार्यरत हूँ। मैं स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज इंटरवेंशन में सब स्पेशलाइज करता हूँ। हमारे पास अभी श्री विजय भाई खराड़े दिखाने के लिए आए थे। इनको चलने में सांस की तकलीफ थी और बाहर इनका पुणे में इको हुआ था जिसमें हार्ट में एओर्टिक वाल्व जो था उसमें काफ़ी ज़्यादा सिकुड़न थी और उसको उसकी वजह से इनको चलने में सांस चढ़ रहा था। हमने इनका एंजियोग्राफी किया जिसमें कोई ना हार्ट की आर्टरीज में कोई विशेष ब्लॉकेज नहीं था। इको भी किया जिससे कि जो भी पहले फाइंडिंग्स हैं वो कन्फर्म हों और हमने एक सीटी स्कैन करवाया। सीटी स्कैन के हिसाब से एओर्टिक वाल्व पैर के रास्ते से जिसको हम ट्रांसकैथेटर एओर्टिक वाल्व रिप्लेसमेंट कहते हैं या ऑपरेशन के रास्ते से जिसको हम सर्जिकल एओर्टिक वाल्व रिप्लेसमेंट कहते हैं, दोनों ही तरीके से ट्रीट किया जा सकता था। पेशेंट के अपने पर्सनल प्रेफरेंसेस के हिसाब से ट्रांसकैथेटर एओर्टिक वाल्व रिप्लेसमेंट पसंद किया गया। प्रोसीजर करने में हमने लोकल एनेस्थीसिया में प्रोसीजर किया। पेशेंट 6 से 8 घंटे के बाद अपने बेड में मोबिलाइज किया जा सका। अगले दिन उनको वार्ड में शिफ्ट किया और 2-1 दिन बाद उनको वार्ड से हमने डिस्चार्ज किया। पेशेंट वापस पुणा जा रहे हैं एंड ही इज़ वेरी सेटिस्फाइड विद ट्रांसकैथेटर एओर्टिक वाल्व रिप्लेसमेंट। थैंक्स।